अब हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर डिसाइडिंग वेदर अ ट्रांजेक्शन इज कैश और क्रेडिट। अब हमें कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है? तो नोट्स आप लोग देख लीजिए, सोहेल अफजल साहब की बुक हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है जी इसकी, अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज कैश ट्रांजेक्शन इफ, पहली कंडीशन क्या है जी, ए है जी द वर्ड कैश इज मैंशनड इन द ट्रांजेक्शन, जब ट्रांजेक्शन में कैश का वर्ड मैंशन हो, लिखा हो क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसकी, बोर्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000 फ्रॉम अर्शद। अब यहाँ पे देखें कि बोर्ड गुड्स का मतलब परचेज गुड्स ही है, कि कैश का वर्ड भी मैंशन है और जिससे गुड्स परचेज की हैं सप्लायर का वर्ड भी जो मैंशन है, नाम मैंशन है, लेकिन क्योंकि कैश का जिक्र है इसमें इसलिए कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। उसके बाद बी है जी द नेम ऑफ द सेलर और बायर इज नॉट मेंशन इन द ट्रांजेक्शन, बायर या सेलर इसलिए कह रहा है या तो आप गुड्स बाय करेंगे या सेल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड गुड्स रुपीज 5,000, आपने गुड्स परचेज किए हैं रुपीज 5,000 की, अब इसमें कैश का जिक्र भी नहीं है और जिस पार्टी का जो है ना सेलर या बायर उसका नाम भी मेंशन नहीं है, तो ये कैश भी होगी। उसके बाद सेकंड वन, अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन इफ, अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन कब होगी उसकी दो कंडीशन है। नंबर वन है द वर्ड्स ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट आर मेंशन इन द ट्रांजेक्शन, जब ये दोनों वर्ड ट्रांजेक्शन में मेंशन होंगे, ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट, तो कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। इसकी एग्जाम्पल वो कैसे दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल बॉट गुड्स रुपीज 5,000 ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज किए हैं 5,000 की क्रेडिट पे, क्लियर कट उसने लिख दिया, ठीक है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। उसके बाद है बी, द नेम ऑफ द सेलर और बायर इज नॉट इज मेंशन इन द ट्रांजेक्शन एंड द वर्ड कैश इज नॉट मेंशन, अब ट्रांजेक्शन में बायर या सेलर का नाम मेंशन होगा, ठीक है, लेकिन कैश का जिक्र नहीं होगा, कैश का वर्ड मेंशन नहीं होगा, तो वो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। उसकी एग्जाम्पल वो दे रहा है, आगे देखें, बोर्ड गुड्स फ्रॉम अर्शद रुपीज 5,000, ठीक है, अब इसमें सप्लायर का जिक्र है, ठीक है, कैश का जिक्र नहीं है, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। उसके बाद ही हम लोग इलस्ट्रेशन वन डिस्कस करते हैं, स्टेट द रीजंस वेदर द फॉलोइंग इवेंट्स आर ट्रांजेक्शंस टू माय बिजनेस, अभी आपने ये बताना है कि ये जो इवेंट है ये ट्रांजेक्शन है कि नहीं, ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, हमें आई हम इसको सॉल्व करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन है जी, आई स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज 50,000, कि जी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है रुपीज 50,000 से, अब ये ट्रांजेक्शन इवेंट, अब ये इवेंट ट्रांजेक्शन है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा हमें, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो कैश लेके आएगा, ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट किया है तो कितना कैश लेके आया, वो 50,000 रुपये, ठीक है, तो इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन क्या होगी, चेंज होगी, तो आप देखें इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई है, तो ये हमारी क्या है जी, ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो आपने जस्ट इसका यही आंसर देना कि ये ट्रांजेक्शन है, फर्दर आप इसकी डिटेल आगे आंसर में पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पेज पे सेकंड है जी, आई बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज 2,000 फॉर बिजनेस यूज, फर्नीचर बाय किया है 2,000 रुपये का बिजनेस यूज के लिए, अब जब आप फर्नीचर बाय करेंगे तो इससे भी आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि आपने एसेट बाय किया, ठीक है, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, ट्रांजेक्शन। उसके बाद नंबर थ्री पे जी, सबमिटेड अ टेंडर फॉर गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, टेंडर सबमिट करवाया जी गुड्स के लिए कितने का, 10,000 रुपये का, अब देखो अभी आपने सिर्फ टेंडर सबमिट करवाया है, ठीक है, आपने गुड्स बाय नहीं किए अभी तक, कैश पे नहीं किया, तो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन चेंज नहीं हुई अभी इसकी वजह से, ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रांजेक्शन नहीं है, नॉट अ ट्रांजेक्शन। उसके बाद जी नंबर फोर पे, अपॉइंटेड अ कैशियर ऑन अ सैलरी ऑफ रुपीज 2,000 पर मंथ, आपने कैशियर अपॉइंट किया है 2,000 पर मंथ सैलरी पे, अभी आपने अपॉइंट किया उसको, हायर किया, अभी उसको पे नहीं किया, तो ये भी आपकी ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये पेड सैलरी टू कैशियर, आपने कैशियर को सैलरी पे कर दी है,
आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई है क्योंकि आपने कैश पे कर दिया, इससे आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्या है, ट्रांजेक्शन है। उसके बाद है जी नंबर सिक्स पे, आई टुक अवे गुड्स वर्थ 500 फ्रॉम द बिजनेस फॉर माई प्राइवेट यूज। बिजनेस में से जो है गुड्स निकाल ली गई हैं पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए। तो इससे भी आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो ये भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद है जी नंबर सेवन पे है, पेड सैलरी 1000 टू सेल्समैन ऑफ द बिजनेस। आपने सैलरी पे किया है सेल्समैन को, ठीक है। तो आपने ये पे किया, इससे भी आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुई है, चेंज हुई है। तो ये भी क्या कहलाएगी, आपकी ट्रांजेक्शन। उसके बाद लास्ट वन है जी, पेड रेंट ऑफ माई हाउस फ्रॉम माई ओन फंड्स। रेंट पे किया है, ठीक है, अपने पर्सनल फंड में से, ठीक है। इससे आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये भी आपकी ट्रांजेक्शन नहीं है।